गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वन का एक वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक का नाम है मल्टी वाइब्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। और ये मल्टी वाइब्रेटर आने वाले सेमेस्टरों में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको याद होगा ड्राइंग ड्राफ्टिंग में हम लोग मल्टी वाइब्रेटर सर्किट पढ़े थे, उसका पूरा सर्किट डायग्राम नोट किए थे बढ़िया से। हम लोग सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाए थे और कुछ भी नहीं। हम लोग उस समय मैंने आपसे बोला था कि फोर्थ सेमेस्टर में आएगा तो मैं डिटेल आपको बताऊँगा। ऐसे में ड्राइंग ड्राफ्टिंग पढ़ाते समय इसका माइनर थोड़ा मोड़ा मैंने फंक्शन डिस्क्राइब किया था आपको, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है बहुत डिटेल पढ़ेंगे मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ेगा, सर ये मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग समझें तो ऐसा समझेंगे कि यह एक डिवाइस है, ठीक है, जो डिफरेंट नॉन साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यह एक स्विचिंग सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो नॉन साइनोसॉइडल का मतलब हो गया साइन वेव नहीं देना। साइन वेव को छोड़ दीजिए, साइन और कोसाइन को छोड़कर जो भी वेव्स आपके पास होंगे, जैसे रेक्टेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, जितने भी वेव्स होंगे सभी जनरेट करने की, ठीक है, कैपेबिलिटी इस मल्टी वाइब्रेटर के पास है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मल्टी वाइब्रेटर एक ब्लॉक बनाया है और मैंने दिखाया कि स्क्वायर वेव जनरेट कर सकता है या ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर सकता है या सॉटूथ वेव जनरेट कर सकता है, तो डिफरेंट वेव्स जनरेट कर सकता है ये। फिलहाल मैं अगर आपको डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो लिखा है ए मल्टी वाइब्रेटर इज ए स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट नॉन साइनोसॉइडल वेव सच एज रेक्टेंगुलर वेव्स, सॉटूथ वेव्स, स्क्वायर वेव एक्सेट्रा। तो डिफरेंट नॉन साइनोसॉइडल वेव को ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये इनपुट है, इनपुट हम देंगे और ये मल्टी वाइब्रेटर जो है उसको नॉन साइनोसॉइडल वेव में जनरेट करके दे देगा। कैसे जनरेट करेगा ये तो आगे का चैप्टर्स में जैसे इंटर करेंगे हम आपको एक एक करके समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्टी वाइब्रेटर जो हम लोग सर्किट बनाएंगे आगे चल के, उसमें जनरली बेसिकली हम दो चीज़ देखेंगे, ठीक है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर से बना होगा, ठीक है। किससे बना होगा? आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आरसी कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड आपको समझाया गया था, तो आपको याद होगा। इसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का बहुत बेहतरीन रोल है। बिना रेसिस्टेंस और कैपेसिटर के आप मल्टी वाइब्रेटर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको जब सर्किट डायग्राम पे आएंगे तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटर इसमें क्या रोल रखता है इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। इसके बिना तो मल्टी वाइब्रेटर बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे चल के बताता हूँ। मल्टी वाइब्रेटर जो है केपेबल टू स्टोरिंग बाइनरी नंबर्स, ये मैं पढ़ाने के दौरान बताऊंगा कि मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप के रूप में भी यूज़ होता है, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर किसके रूप में यूज़ होता है? फ्लिप फ्लॉप। और मैं फ्लिप फ्लॉप आपको बता दूँ, फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, जो बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। कौन से डेटा को स्टोर करता है? बाइनरी डेटा को। इसीलिए मैंने लिखा है इट इज कैपेबल टू स्टोरिंग बाइनरी नंबर्स, ये बाइनरी नंबर को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। काउंटिंग पल्सेस, पल्स का मतलब होता है वेव्स, ठीक है, वेव्स, हर एक साइकिल को काउंट करना, 5 साइकिल, 10 साइकिल, 20 साइकिल, इसको कहते हैं काउंटिंग पल्सेस, पल्स को काउंट करना। एंड अदर एसेंशियल फंक्शन यूज इन द डिजिटल सिस्टम, इसके अलावे और भी एसेंशियल फंक्शन यूज किया जाता है डिजिटल सिस्टम के। डिजिटल सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन का यूज होता है इसमें, तो डिजिटल सिस्टम का बहुत सारा यूज होता है। डिजिटल सिस्टम में बहुत सारा यूज किया जाता है। डिजिटल सिस्टम आपके पास बहुत सारा काम है, डिजिटल सिस्टम का उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस मल्टी वाइब्रेटर का। जो आगे चल के डिजिटल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले सेमेस्टरों में हम लोग डिजिटल में इसका यूज करके आपको हम दिखाएंगे। चलते हैं, अब आते हैं कि ये तो सर मल्टी वाइब्रेटर के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दूं, ठीक है, जो कि मैंने बोला नहीं, इसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार कंपटीशन लेवल में आ चुका है कि इसमें किस तरह का फीडबैक होता है मल्टी वाइब्रेटर में, पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि इसमें कैसा कपलिंग होता है, तो आरसी कपलिंग होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स बहुत बेहतरीन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बीच के छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन निकलता है और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं ध्यान देने के कारण हम लोग जो है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या हम लोगों को क्वेश्चन से बन नहीं पाता है, ओके। क्या करता है ये आउटपुट में? स्क्वायर वेव यानी नॉन साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करता है। नॉन साइनोसॉइडल वेव में 2-3 एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं, यहां पर आपके पास है। आइए आते हैं अगले टॉपिक, टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। कितने टाइप्स के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं? तो मल्टी वाइब्रेटर को जनरली अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू कपलिंग नेटवर्क के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, ओके। कितने भाग में? 3 भाग में।
आपके पास तीनों का नाम देख लीजिए, एक का नाम है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्या नाम है ए स्टेबल, ए स्टेबल, दूसरा नाम है मोनोस्टेबल, तीसरा नाम है बाईस्टेबल, ए स्टेबल मोनोस्टेबल बाईस्टेबल, ए स्टेबल मोनोस्टेबल बाईस्टेबल, इनका अनदर नेम को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस अनदर नेम से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अनदर नेम क्या है, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, सिंगल शॉट मल्टी वाइब्रेटर, फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर। इसका नाम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर क्यों पड़ा, ए स्टेबल नाम क्यों पड़ा, दोनों का रीजन मैं बताऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मैंने बोला व्हाई इट्स नेम इज ए स्टेबल, व्हाई इट्स नेम इज फ्री रनिंग, व्हाई इट्स नेम इज मोनोस्टेबल, व्हाई इट्स नेम इज सिंगल शॉट, व्हाई इट्स नेम इज बाई स्टेबल, व्हाई इट्स नेम इज फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, वही फ्लिप फ्लॉप जो डिजिटल में है, एकदम करेक्ट, ठीक है, इसका नाम फ्लिप फ्लॉप भी पड़ा। तो ये तो आपके पास पूरा सर्किट हुआ, मतलब तीन टाइप्स हुए। अब मैं आप इसके बारे में बताता हूँ आपको, आने वाले सेमेस्टर यानी पांचवें सेमेस्टर में फिर से मल्टी वाइब्रेटर मिलेगा, बट वहाँ पर मैं 555 टाइमर एक आईसी है, इससे मल्टी वाइब्रेटर बना के दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग ट्रांजिस्टर से मल्टी वाइब्रेटर पढ़ेंगे, यहाँ पर ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर। ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस होगा जो स्विच के रूप में काम करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मल्टी वाइब्रेटर को अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो मल्टी वाइब्रेटर को आगे समझने के लिए हम लोग को ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ध्यान रखेंगे, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच को अच्छे से समझना है, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, उसके बाद हम ए स्टेबल मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल समझाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पढ़ेंगे। ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच आपको समझा दूं, ठीक है, तो आप मल्टी वाइब्रेटर को समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ठीक है, अगर आप इसको समझते हैं, ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर में कहीं परेशानी नहीं आएगी। अब क्वेश्चन उठता है, क्या इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो जब मैं बना रहा था तो उस समय इसको मैंने समझाया था, बेहतरीन समझाया था। अब मैं फिर से एक बार इसको आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि इस ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी है, तो उन लोगों के लिए भी इसको समझना ज़रूरी है, तो उन लोगों को ये नहीं मिला है, इसलिए फिर से एक बार समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिस्टर, मैं ट्रांजिस्टर में कोई भी ले सकता हूँ, मॉसफेट, फेट, बीजेटी, जनरली आप, मैं बीजेटी लेके चल रहा हूँ, और आपके पास बीजेटी नाम का एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ है। बीजेटी में ऊपर वीसीसी, ठीक है, कलेक्टर कपलिंग सप्लाई, हम लोग वीसीसी डीसी सप्लाई हम देते रहते हैं, और इसके बेस में मैंने वीवी सप्लाई अभी दिया नहीं हूँ, ये वीवी सप्लाई है, मैं चाहूँगा तो दूंगा, चाहूँगा नहीं चाहूँगा तो नहीं दूंगा। यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए, ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रांजिस्टर बीजेटी को चालू करने के लिए बेस एक इम्पॉर्टेंट रोल देता है, बेस टर्मिनल। यानी अगर मैं बेस टर्मिनल में सप्लाई नहीं दूँ तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ऊपर से करंट आएगा नीचे से आ जाएगा, नहीं, आप समझिए, ये जो ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ट्रांजिस्टर का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अंदर में दो जंक्शंस पाए जाएंगे, कितने, दो जंक्शंस, एक है इमीटर बेस जंक्शन और एक है कलेक्टर बेस जंक्शन। दोनों जंक्शंस के टूटने के बाद, ठीक है, ही करंट फ्लो शुरू करता है, और उन दोनों इमीटर और कलेक्टर के बीच में एक टर्मिनल होता है, उसका नाम है बेस, यानी बेस बीच का टर्मिनल माना जाता है। देखिए कैसे, ठीक है, ये आपके पास ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस होंगे, एक और एक दो, ये कलेक्टर हुआ, ये इमीटर हुआ और ये बेस हुआ, बेस टर्मिनल यहाँ, ये कलेक्ट इमीटर और ये कलेक्टर। तो अब सोचिए कि इस जंक्शंस को यदि मेरे को तोड़ना होगा तो इन दोनों के बीच में सप्लाई देना होगा, और इस जंक्शन को तोड़ना होगा तो हमको इन दोनों के बीच में सप्लाई देना होगा, एकदम करेक्ट, तभी जा करके आपका टूटेगा। यानी इसमें सबसे मेन रोल किसका है, इन दोनों का नहीं जी, इमीटर और कलेक्टर नहीं, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है, इन दोनों को तो मैंने कनेक्शन कर दिया बीच वाला, यदि इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से नहीं हो तो संभव नहीं है जंक्शन तोड़ पाना और ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। चलिए, हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं स्विच के रूप में स्विच पढ़ा रहा हूँ, तो स्विच में इंटरनल असिस्टेंस, ठीक है, या आप कोई भी इस तरह का बात नहीं करेंगे। हम लोग एम्पलीफायर अगर पढ़ते तो इसमें रेसिस्टेंस वगैरह लेके चलते और उसको हम लोग मान के चलते। हाँ, हम लोग स्विच के रूप में पढ़ रहे, तो आपको याद होगा जब मैं ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा था, बेसिक जानकारी दे रहा था, ठीक है, या आपको जब बेसिक जानकारी पढ़ाई गई होगी तो ये बताया गया होगा कि ट्रांजिस्टर जो है स्विच के रूप में दो रीजन में काम करता है। स्विच में दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, एक ऑन एक ऑफ, तो एक उसमें तीन ऑपरेटिंग रीजन्स होते हैं किसी ट्रांजिस्टर की, एक का नाम है एक्टिव रीजन, एक का नाम है कट ऑफ रीजन और एक का नाम है सैचुरेशन रीजन।
तो एक्टिव रीजन जो आप बोलते हैं ये एम्पलीफायर के रूप में काम, जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में काम करता है तो उसे हम लोग एक्टिव रीजन कहते हैं, यानी जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा तो वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, सही बात है। लेकिन जब ठीक है वह कट ऑफ या सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा तो वह स्विच के रूप में काम करेगा, और कट ऑफ में जाएगा तो ऑफ स्विच, और सेचुरेशन में जाएगा तो ऑन स्विच। तो खैर ये हम लोग यहाँ पर बस ध्यान रखेंगे कि हम लोग स्विच के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ स्विच के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो वीबी के पास पहुंचते हैं, ठीक है। यदि मैं वीबी का मान 0 वोल्ट दे दूं, ध्यान से रखेंगे कितना मैंने दिया, वीबी का मान 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब वीबी में कोई सप्लाई ही नहीं दिया। जब मैं इसमें सप्लाई नहीं दूंगा तो ये जंक्शन और ये जंक्शन दोनों नहीं टूटेगा भाई, ट्रांजिस्टर चालू कैसे होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्लो कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह ट्रांजिस्टर ऑफ माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो इसमें किसी भी तरह का करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। तो भाई आप बताओ कि घर में ठीक है स्विच को ऑफ करते हो तो करंट नहीं फ्लो करता है या ऑन करते हो तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो आप बोलेंगे अरे सर स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एकदम करेक्ट। यानी यहां पर हम लोग एक स्विच बनाएंगे, लेकिन ये जो स्विच बनाएंगे हम लोग ये स्विच ऑफ स्विच दिखाएंगे, कैसा स्विच दिखाएंगे, ऑफ स्विच। ऊपर वीसीसी है, वीसीसी हम लोग दिखाए, ठीक है। ये एक ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है, कैसा स्विच की तरह काम कर रहा है, ऑफ स्विच। हमको आउटपुट कहां से लेना है, यहां से लेकर के इस ग्राउंड तक, यहां से लेकर के इस ग्राउंड तक हमको लेना है, ठीक है। यहां से इसका नाम हो गया वी आउट, वी आउट का मान। अब देखिए ये तो टूटा हुआ तार है तो यहां तो करंट आएगा नहीं, और ये वीसीसी खर्च भी नहीं होगा, तो जो वीसीसी होगा यहां से यहां तक आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा, यानी वी आउट का मान अभी वीसीसी मिलेगा हमें। अटपटा लगता है सुनने में, जब तार ही टूट गया तो आउटपुट 0 होना चाहिए, जी नहीं, तार टूट गया इसका मतलब बैटरी खर्च नहीं हुआ, आपके डीसी सप्लाई एज यूजुअल रखे रहे और वही डीसी सप्लाई आपको आउटपुट के रूप में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा तो अलग बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बहुत मेन पॉइंट समझिए, ठीक है, इसको लैंग्वेज में मैं नहीं लिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये सब्जेक्ट इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें इसको यूज़ करेंगे आगे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, तो हम लोग इसको समझें। जब किसी ट्रांजिस्टर के बेस में 0 वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, या सप्लाई नहीं दिया जाता है, तो यह ट्रांजिस्टर ऑफ समझा जाता है, क्लियर। ट्रांजिस्टर में कोई करेंट फ्लो नहीं करता है, यानी ये कट ऑफ रीजन में आ जाता है, कौन सा रीजन, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन होने के कारण इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, यानी कि इसमें हाई रेसिस्टेंस डेवलप होता है, ये कहा जा सकता है कि भाई इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये एक इसमें करंट जिसमें किसमें करंट फ्लो नहीं करता है, इंसुलेटर में, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस डेवलप करता है, रेसिस्टेंस हो जाता है कि क्योंकि रुकावट रेसिस्टेंस दोनों जंक्शंस बने हुए हैं तो रेसिस्टेंस तो होगा ही, और इसी वजह से हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं ऑफ स्विच, और ये ऑफ स्विच दिखा, और ऑफ स्विच के सामने ठीक है कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं, हम लोग वीसीसी सप्लाई यहां देंगे, यानी वी आउट का मान वीसीसी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीबी में 0 वोल्ट, वीबी में 0 वोल्ट, तो वी आउट का मान ओपन स्विच, ओपन स्विच, ठीक है। वी आउट भी जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो होगा ओपन स्विच होगा, और वी आउट का मान कितना होगा वीसीसी। तीन पॉइंट याद रखना है, वीबी का मान 0 तो ट्रांजिस्टर ऑफ, ट्रांजिस्टर ऑफ तो यह कैसा स्विच, ओपन स्विच, और ओपन स्विच का आउटपुट वोल्टेज वीसीसी। यहां तक क्लियर, यही तीन पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसी पर डिपेंडेंट है, और अगर आप इसको समझते हैं तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर एज एन ऑन स्विच, तो अब आइए वीबी, इसमें अगर मैं सफिशियंट का मतलब है जंक्शन को तोड़ने के लिए, एक जंक्शन को अगर तोड़िएगा तो दूसरा अपने आप टूट जाता है, ठीक है, आप इसके ऑपरेशंस में पढ़ चुके हैं। तो यदि एक जंक्शन में तोड़ूंगा तो दूसरा टूटेगा और एक करंट फ्लो करने लगेगा, तो हम कितना बेस वाले में कितना बैटरी जोड़ें इमीटर के साथ कि ये जंक्शन टूट जाए, यानी इमीटर के साथ बेस में हम कितना बैटरी जोड़ें, तो मान लिया वो बैटरी का वैल्यू है वी वोल्ट, कितना वोल्ट, वी वोल्ट, जो वी वोल्ट मैं सप्लाई यहां पर दे रहा हूं, उस वी वोल्ट सप्लाई के कारण ये ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा, इसमें बेस करंट फ्लो करेगा, कौन सा करंट फ्लो करेगा, बेस करंट, और इसमें कौन सा करंट आएगा, कलेक्टर करंट, और ये जो है ऑन कहलाएगा, ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और इसमें कौन सा करंट आएगा, इस करंट में नाम आएगा आई ई, इमीटर करंट आएगा,
तो ये ऑन हो गया। जैसे ही ये ऑन होगा तो आप इसको बोलोगे सर कब ऑन होता, ऑन मतलब करंट फ्लो करता है, कब करंट फ्लो करता है स्विच में, जब आप स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप स्विच को ऑन स्विच की तरह आप दिखाएंगे। ऑन स्विच कैसा होता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने VCC लिखा और यहाँ पर स्विच ऐसे बनाया और ये ऑन स्विच हो गया। और आउटपुट कहाँ से लेना है, कलेक्टर से लेके इमीटर के बीच में, तो कलेक्टर यहाँ पर है और इमीटर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ वी आउट। तो अब आप बताइए, किसी भी नेटवर्क वाले टीचर आपको, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं या किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो एकदम बताए होंगे, अरे ये तो सिंपल वायर है और सिंपल वायर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उसके अक्रॉस का वोल्टेज जीरो होता है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस ही नहीं। करंट अगर फ्लो भी करेगा तो रेसिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज का मान आई गुना आर होता है और रेसिस्टेंस जीरो है, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तो वोल्टेज का मान जीरो वोल्ट आएगा। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि यदि मैं सफिशियंट सप्लाई दूं तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यह ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा और ऑन स्विच के सामने का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमें जीरो वोल्ट प्राप्त होता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत बेहतरीन, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं आपको इसी वीडियो में मैं बता रहा था कि जो मल्टी वाइब्रेटर है सिर्फ ट्रांजिस्टर से नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जाता है ट्रांजिस्टर के अलावे हम लोग 555 टाइमर IC, जो कि अगले सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है, ऐसे आप ड्राइंग ड्राफ्टिंग में बना चुके हैं 555 टाइमर। ये 555 टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट एक IC है जो टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कहीं भी टाइमिंग कंट्रोल करना है तो आप 555 टाइमर यूज कर लीजिए। मैक्सिमम प्लेसेस पे आजकल टाइमिंग कंट्रोल्ड, टाइम कंट्रोल डिवाइस भरमार है, बहुत सारा है, ठीक है, तो वहां पर आप 555 टाइमर का यूज करते हैं। तो अगले सेमेस्टर में फिर से मल्टी वाइब्रेटर आएगा जिसमें मैं आपको 555 टाइमर से मल्टी वाइब्रेटर बताऊंगा, उसमें फिर तीन नाम आएंगे, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल, तीनों फिर नाम आएंगे। लेकिन अगली बार मैं IC से बताऊंगा, IC का मतलब 555 टाइमर, 555 IC नंबर है, क्यों नाम पड़ा 555 वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर पढ़ेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में, यानी हम लोग अगला जो आएगा वो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मैं पहला टाइप एक्सप्लेन करूंगा, दैट्स नेम इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका नाम ए स्टेबल क्यों पड़ा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका नाम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर क्यों पड़ा, क्या इसका और भी नाम है, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। एकदम पेशेंस रखिए और अगर आप खुद से ढूंढते हैं तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, आप ढूंढिए और अगर आपको मिल जाता है बेहतर है, ठीक है। तो जितना आप सर्च करेंगे उतना दिमाग दौड़ेगा और उतना ज़्यादा टीचर से आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।